मित्रों नमस्कार। आज हर व्यक्ति कोरोना वायरस की वजह से डरा हुआ है। फरवरी के शुरू में जब यह वायरस चीन के वुहान शहर में फैला तो उस वक्त लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं मान रहे थे, लेकिन जब वुहान शहर के अंदर बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए और वहाँ इसकी वजह से अनेक व्यक्ति मौत के मुंह में भी चले गए, उसके बाद लोगों को लगा कि शायद यह कोई खास बीमारी है और इससे डरने की भी ज़रूरत है। लेकिन इतने सोचते सोचते मार्च के अंत तक, मतलब मार्च 2020 तक, यह पूरे दुनिया में फैल गया और इसे महामारी का रूप मिल गया और इसे WHO ने भी पैंडेमिक डिसीज घोषित कर दिया। इसके अंदर हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। हमारे देश के अंदर भी मार्च के अंत तक लॉकडाउन की स्थिति बन गई और सब काम धंधे बंद हो गए। स्कूल की कॉलेज की छुट्टियां हो गई, ऑफिस बंद हो गए, अस्पताल चल रहे थे लेकिन बाजार बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, सभी काम एक तरह से रुक गया। कोई भी 5 व्यक्ति भी आपस में मिलकर नहीं खड़े हो सकते थे। केवल सड़क पर वही लोग आ जा रहे थे जिन्हें एसेंशियल सर्विसेज के अंदर सरकार ने छूट दे रखी थी, जिस तरह से मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अपने पुलिस वाले लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो लोगों की सहायता कर रही थी। ये स्वयंसेवी संस्थाएं गरीबों को राशन बांट रही थी। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भोजन बनाकर भोजन के पैकेट गरीबों को बांट रही थी, कुछ लोग फेस मास्क बांट रहे थे। इस तरह से लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, बाकी अन्य लोग अपने घरों में बैठे थे, सारे दिन TV देखते थे, न्यूज़ चैनल देखते थे, पिक्चरें देखते थे और सरकार की कई बातों का पालन करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते थे, फेस मास्क भी लगाते थे। इस प्रकार से काम चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने घरों पर चले गए। और लेकिन हुआ क्या कि केसेज कोरोना वायरस के कम होने की बजाय बढ़ते ही गए और आज आलम यह हो गया कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को जुकाम खांसी हो गया और वह अपना टेस्ट भी करवाने चाहे तो बड़ी मुश्किलों से उसका टेस्ट हो पाता है कि उसे कोरोना वायरस है या नहीं है। इस वजह से भी एक भय का माहौल बना हुआ है, जबकि बाकी सामान्य जिंदगी चल चुकी है, जिंदगी पटरी पर आ रही है, सारे मॉल भी खुल गए हैं, बाजार भी खुल गए हैं, ऑफिस भी खुल गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डर का माहौल है और डर का माहौल इतना है कि अगर किसी व्यक्ति को जुकाम भी हो जाता है या खांसी भी हो जाती है तो वह डर जाता है कि कहीं उसे कोरोना वायरस तो नहीं है, जिसके लिए वह भाग दौड़ करता है और अपना टेस्ट करवाता है कि कोरोना पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। और अगर पॉजिटिव निकला तो पूरे घर को भी क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को भी कहा जाता है कि भाई वह क्वारंटाइन ही रहे और वह भाग दौड़ करता है कि वह हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद जब वह इतने डर के अंदर होता है तो बीमारी के साथ साथ डर उन्हें ज़्यादा सताता है, पूरे घर को भी डर सताता है। तो ऐसे के अंदर वह क्या करे? सबसे बड़ी बात है कि पूरा परिवार अपने आप को संयमित रखे, अपने मन को काबू में रखे, अपने दिलो दिमाग को शांत रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और जितने भी अन्य प्रारूप हैं, जितने अन्य निर्देश हैं कि जिन्हें पालन करना चाहिए उनका भी पालन करें। लेकिन उसके बावजूद भी डर उनके मन से नहीं निकलता है। उसका कारण यह है कि सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिलती है, प्राइवेट अस्पताल में भी जगह नहीं मिलती है, और अगर जगह मिलती भी है तो उसके लिए लाखों रुपए जमा करवाने पड़ते हैं, जो बहुत से लोग देने की स्थिति में हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो ऐसे के अंदर क्या करें कि इसके अंदर होम्योपैथी में भी एक दवाई है, कैल्केरिया कार, जिसके सेवन से व्यक्ति के अंदर का डर निकल जाता है, उसका जुकाम खांसी भी ठीक हो जाता है और अन्य भी जो थोड़े सिम्टम्स आ रहे होते हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। इस तरह के मैंने भी कई रोगी ठीक किए हैं, लेकिन ये दवा खुद नहीं खानी है, इसके लिए अपने डॉक्टर की सलाह करके ही इस दवा का सेवन करें, तभी इससे लाभ होगा। धन्यवाद।